सीबीसी आईडी ने 34 साल पुराने मामले में बागपत के सिंघावली अहीर थाने के तत्काल इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि 34 साल पहले 1986 में सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा की 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना सिंघावली पुलिस के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों ने आरोपियों के भाई विष्णु दत्त को अवैध तरीके से हिरासत में लिया था, जिसके बाद एडिशनल एसपी मोहिनी पाठक ने सिंघावली अहीर थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर सतीश चंद्र, दरोगा जयपाल सिंह, सिपाही देवेश कसाना और सिपाही जहांगीर पवार के खिलाफ 342-218 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जो है 4 तारीख में मोहिनी पाठक जी एडिशनल एसपी सीबीसीआईडी सेक्टर मेरठ की, उनकी तरफ से एक मुकदमा हुआ है थाना सिंघावली है में 39/20। एक प्रकरण था जिसमें कि हरिदत्त और ओमदत्त दो भाई मर्डर किए थे, 50,000 के इनामी थे। उनके एक भाई को विष्णु दत्त को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का आरोप था। इसी पे जांच वगैरह करके 342-218 पीसी का मुकदमा अपराध संख्या 39/20 थाना सिंघावली अहीर में दर्ज हुआ है। अब इसकी विवेचना होगी, जैसे तथ्य और साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम तो बहुत पुराना है, जैसी की जानकारी मिली है लगभग 30 साल पहले कोई सरपंच थे पिलाना, उनकी हत्या हुई थी और 2011 में जो दोनों भाई थे जो अभियुक्त थे वो अरेस्ट हुए थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हुई। उसमें कोई प्रकरण जो है अवैध हिरासत का था जिसकी जांच सीबीसीआईडी कर रही थी। अब जा करके इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पूरे प्रकरण को बड़ी गहनता से और बहुत विधिपूर्ण ढंग से देखना पड़ेगा क्या आरोप है, फिर विवेचना इसकी होगी तब कार्रवाई होगी। अच्छा, कौन कौन पुलिसकर्मी है इनमें जो इन पर दोष? उसमें तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष थे सतीश चंद, कोई SCP है रामपाल और कांस्टेबल देवेश कसाना और कांस्टेबल जहांगीर पवार। फिलहाल पुलिस ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, साथ ही पुलिस मामले से जुड़े लोगों से भी पूछताछ करेगी। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।